आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 5 जुलाई की शुक्रवार की। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपना उमंग उत्साह बढ़ाए रखें और उम्मीद में रह रहे हैं और ना उम्मीदी ना आए। तो ना उम्मीदी मतलब कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे संस्कार जाते नहीं, मेरी आदतें खत्म नहीं होती हैं, मैं क्या करूं। तो परमात्मा कहते हैं कि विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदी में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भवा। विजय के उमंग उत्साह की मैंने हर 5000 साल के साइकिल में मैंने हमेशा शिव परमात्मा के साथ में लास्ट में मैंने 100% विजय पाई थी, मतलब कि इस नाटक के अंत में, यानी कि लास्ट सांसें लेते समय। तो परमात्मा कहते हैं अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। पहले सबसे पहले संकल्प करना है निश्चय का, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या करेंगे, कौन करेगा, कब होगा, मेरे में इतनी ताकत है कि नहीं, ये आदि बहुत सारे ट्रेन के थॉट्स बना लिए हमने जो कि हमें पीछे धकेलते जाते हैं। और अगर एक संकल्प किया कि मैं विजय रत्नात्मा, मुझे विजय मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैं हर कल्प के अंत में मैंने विजय पाई है, चाहे वो काम करो लो अहंकार के ऊपर, चाहे आलस अलबेलापन के ऊपर, चाहे अहंकार अभिमान के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो। तो अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही, विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। ये भी एक संस्कार है, ना उम्मीदी के संस्कार की, उम्मीद ही नहीं है, ये हमेशा सोचते रहेंगे, अगर सोचते रहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता है, मेरे में ताकत नहीं है, तो वो भी एक संस्कार बन जाता है और मन और आत्मा बिलीव करना शुरू करती है कि हाँ, जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सत्य है। तो सोचो तो सत्य है, नहीं सोचो तो भी सत्य है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम जो सोचे वो एटलीस्ट हम सकारात्मक सोचें ताकि वो ही सत्य बन जाए हमारा, और अगर हम सोचे नहीं हो सकता तो वो भी सत्य बन जाता है। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कर चुके हैं। कोई भी कार्य मुश्किल लग रहा हो, चाहे वो भौतिक में मुश्किल लग रहा हो, चाहे वो हमारे आंतरिक आत्मा के उसमें पुरुषार्थ में मुश्किल लग रहा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी कमी कमजोरी, उसके ऊपर हमें जीत पानी हो, चाहे बाहर की दुनिया क्या हो कार्य, चाहे अंदर की दुनिया का कार्य हो, दोनों में परमात्मा कह रहे हैं कि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं सारे कार्य हम। इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे कि उम्मीद ही नहीं है, मेरे को अपने ऊपर ही उम्मीद नहीं है, मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ये ना रहे, नाम निशान ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए, हमारे कोई जो कैरेक्टर होते हैं, हमारे स्वभाव होते हैं, संस्कार होते हैं, हमारे हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी, क्वेश्चन मार्क ना आए। परमात्मा कहते हैं अगर वो डाउट का हमने अगर एक संस्कार बना दिया, हमेशा डाउट रखने का संस्कार, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो परमात्मा कहते हैं वो भी एक हैबिट बन जाएगी और वो एक फिर बिलीफ बन जाएगा और फिर वो एक हमारा कैरेक्टर बन जाएगा कि जब भी कोई मुश्किल आएगी बोलेंगे मैं हूँ ऐसा, क्या करूँ, मेरे अंदर है ऐसे, मेरे को ऐसे ही रिएक्शन आता है मेरे अंदर से, पता नहीं क्या है, बटन ट्रिगर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं क्योंकि आपने अपने साथ में बहुत समय से बात करी कि आपके ये अंदर प्रॉब्लम है और आपने कभी इसके सॉल्यूशन के बारे में आपने सोचा नहीं, आपने ये सोचा कि मैं विजय रत्नात्मा हूँ, मैंने विजय पाई थी, पाई है और पाती रहूँगी, हर 5000 वर्ष के साइकिल में मैंने इसे किया था, विजय पाके ही रहना है मुझे। तो ये क्यों ना हम अपने आप को बार बार दोहराएं ये शब्दों को, ताकि एक समय आ जाएगा ये शब्द, विजय के शब्द ही हमारे लिए बिलीफ बन जाएंगे, एक नेचर बन जाएंगे। तो ये सब कुछ परमात्मा सिखाते हैं हमें कि कैसे हम अपने आप को प्रोग्राम करें, कैसे अपने आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करें। ओम शांति। इसके साथ